फ्रेंड्स राइट इन्फॉर्मेशन के साथ रियल वीडियो लेके हो। तो आज इस वीडियो में मैं आप लोगों से फुली डिस्कस करने वाला हूँ कि आपका जो रेशन कार्ड है उस रेशन कार्ड में अगर आपका कोई भी फैमिली मेंबर का नाम लेफ्ट हो गया यानी बाकी रह गया वो नाम रेशन कार्ड में नहीं है तो उस नाम को आप कैसे रेशन कार्ड में डाल सकते हो या उसको एड कर सकते हो तो इस विषय में हम लोग फुल्ली डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो देखिए ये जो प्रोसेस है बहुत सारे स्टेट में ऑनलाइन प्रोसेस नहीं होता है, ऑफलाइन करना होता है और कुछ ऐसे स्टेट है जिस स्टेट में आपको ऑनलाइन भी सुविधा दिया गया है। तो कौन कौन सा स्टेट में ऑनलाइन कर सकते हो और कौन सा स्टेट में आप ऑनलाइन नहीं कर सकते हैं तो सब कुछ इस वीडियो में हम लोग फुल्ली डिस्कस करेंगे और आपको ऑनलाइन करके दिखाएंगे कि कैसे करके आपको न्यू मेंबर यानी न्यू जिसका नाम मतलब लेफ्ट हो गया उसका नाम आप कैसे ऐड कर सकते हो रेशन कार्ड में तो सब कुछ डिस्कस करेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपसे कोई भी वीडियो मिस ना हो। तो चलिए आज का जो वीडियो है वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स इस प्रोसेस से आप नेम एड्रेस या कोई भी करेक्शन हो आपका रेशन कार्ड में वो आप आसानी से कर सकते हो। तो देखिए ये जो वेबसाइट है इस वेबसाइट का आपको डायरेक्ट लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा तो उसमें क्लिक करके आप डायरेक्ट इस वेबसाइट पर आ सकते हो। तो देखिए इस वेबसाइट पर आने के बाद आपको एक ऑप्शन मिलेगा जो ऊपर ब्लैक कलर का बार है उसमें ग्रीवियंस बोल के। तो देखिए ग्रीवियंस का मीनिंग होता है कॉम्प्लेंट यानी कोई शिकायत करना। तो आपको शिकायत करके ही आपका जो भी करेक्शन है वो करेक्शन आपको करवाना होगा। तो हम लोग क्या करेंगे जो ग्रीवियंस ऑप्शन है उसमें क्लिक करेंगे। तो क्लिक करने के बाद आपको इस टाइप से एक इंटरफेस देखने के लिए मिलेगा। तो देखिए मैंने क्लिक कर दिया और इंटरफेस शो हो गया। तो इसमें आपको दिख रहा है ग्रीवियंस रजिस्ट्रेशन। तो देखिए फिर आपके इधर टाइप बोल के लिखा हुआ है तो इसमें आप क्लिक कर दीजिए। तो क्लिक करने के बाद बहुत सारा ऑप्शन नजर आता है। देखिए इधर एलोकेशन इश्यूज, बैंक रिलेटेड इश्यूज, कार्ड इश्यूज, फिर आपको डीलर इश्यूज, मतलब जो भी आपको करना है उस हिसाब से कीजिए। मैं कार्ड इशू में क्लिक कर दिया। तो क्लिक करने के बाद फिर आपको ग्रीवियंस कैटेगरी को सिलेक्ट करना है। तो इसमें देखिए बहुत सारे ऑप्शन है, एड नेम इन कार्ड, फिर ब्राइब, कार्ड नॉट इश्यूज, फिर इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन इन कार्ड, नेम मिसिंग इन कार्ड या नेम नॉट इन लिस्ट। तो इस हिसाब से जो भी आपको करना है, आपका कोई भी करेक्शन करना है, एड्रेस करेक्शन करना है या आपका नेम करेक्शन करना है या नाम आपको ऐड करना है तो उस हिसाब से आप सिलेक्ट कर लीजिए। तो मैं इधर करने वाला हूँ, देखिए जो नेम मिसिंग इन कार्ड इस हिसाब से मैं करने वाला हूँ ताकि नेम को ऐड किया जाए। तो इसमें आप कर दीजिए क्लिक करके, फिर जो नेम आपको मिसिंग है मतलब जो नेम आप ऐड करवाना चाहते हो तो उसी नेम को जो राइट साइड में आपको नेम लिखा हुआ है उसमें आपको पुट करना होगा। तो देखिए मैंने नेम मिसिंग इन कार्ड कर दिया। तो कट करने के बाद इसमें आपको नेम डालना है, जो भी नेम आप डालना चाहते हो, जो भी नेम आप ऐड करना चाहते हो। तो देखिए मैं एक नेम इधर ऐड कर दिया। फिर आपका जो डिस्ट्रिक्ट है डिस्ट्रिक्ट को इधर से आपको सिलेक्ट करना होगा। तो देखिए इसमें बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट है, जो आपका स्टेट होगा स्टेट का डिस्ट्रिक्ट होगा, फिर आपका ब्लॉक सिलेक्ट करना होगा इधर से, फिर आपका पंचायत सिलेक्ट करना होगा, फिर आपका जो विलेज है विलेज को इधर सेलेक्ट करना होगा। तो विलेज सेलेक्ट करने के बाद फिर आपको इधर आपका जो एड्रेस है मतलब जो आपने विलेज भी सिलेक्ट कर दिया लेकिन इसमें आप क्या कर सकते हैं आपका नियर मंदिर या नियर मस्जिद तो इस टाइप से आपका लैंडमार्क आप दे सकते हैं। तो आप एड्रेस पे पुट कर दीजिए। तो पुट करने के बाद फिर आपको मोबाइल नंबर यानी फ़ोन नंबर आपको इधर टाइप करना है, फिर आपका ईमेल आईडी भी इधर टाइप करना है। तो देखिए मेन जो पॉइंट है ये आपका ग्रीवियंस डिस्क्रिप्शन में। तो ग्रीवियंस डिस्क्रिप्शन में आपको क्या लिखना होगा आप ध्यान से सुन लीजिए। तो देखिए ग्रीवियंस डिस्क्रिप्शन में आपका फुल डिटेल्स मतलब आप क्यों इस ग्रीवियंस रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं यानी आप कंप्लेंट कर रहे हैं तो आप इस हिसाब से लिखिए कि आपका नेम क्या है, आप कौन सा डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं और आपका क्या कंप्लेंट है और आपका रेशन कार्ड नंबर क्या है, आपका आधार कार्ड नंबर क्या है, मतलब आपको कुछ डिटेल्स देना होगा। फिर जो ग्रीवियंस में आप इस टाइप से मतलब मेंशन कीजिए ताकि आपको वो जो आप दे रहे हो वो देख के ही जो अथॉरिटी है अथॉरिटी को पता चले। तो मैं इधर कुछ देने वाला नहीं हूँ क्योंकि मैं इसको फाइनली सबमिट अभी नहीं करने वाला हूँ। देखिए मैं ओनली जस्ट लिख दिया आई वांट टू ऐड फैमिली मेंबर्स नेम, तो मैं इतना ही दे दिया। लेकिन आप जब करेंगे तो डिटेल्स लिखेंगे, हिंदी में लिखिए, इंग्लिश में लिखिए, डिटेल्स लिखिए और उसमें सब कुछ मेंशन कीजिए। फिर देखिए अटैचमेंट,
तो एडजस्टमेंट, तीन एडजस्टमेंट आपको करना है। तो आपको एडजस्टमेंट पे एक आधार कार्ड करना है, एक रेशन कार्ड करना है और एक वोटर आईडी कार्ड करना है। तो अच्छी तरह से स्कैन करके आपको वन बाय वन अपलोड करना है। तो देखिए एडजस्टमेंट वन आप रेशन कार्ड कर लीजिए, एडजस्टमेंट टू पे आधार कार्ड कर लीजिए और एडजस्टमेंट थ्री पे आप वोटर आईडी को कार्ड को कर लीजिए। तो देखिए ये सब करने के बाद आपको रजिस्टर पे क्लिक करना होता है। तो रजिस्टर पे क्लिक कर दीजिए तो ये आपका सबमिट ले लेगा, लेकिन कोई आपको कोई भी रजिस्ट्रेशन नंबर या एक्नॉलेजमेंट नंबर नहीं मिलेगा। तो आप कैसे चेक करेंगे? तो चेक करने के लिए आपको जाना होगा जो आपका रेशन कार्ड नंबर है, रेशन कार्ड नंबर का जो डिटेल्स है वो आपको ऑनलाइन निकल के देखना होगा। तो वो देखने से आपको पता चल जाए कि वो करेक्शन हुआ है या नहीं हुआ है। तो इस हिसाब से आप चेक करके देख सकते हो। ये जो ग्रीवियंस रजिस्ट्रेशन होता है, ये मतलब एक कॉम्प्लेंट जैसा होता है कि आपने कॉम्प्लेंट कर रहा हो कि मेरा नेम मिसिंग है या कोई करेक्शन आपको करना है, तो उस हिसाब से एक करेक्शन होता है। तो इस वीडियो में इतना ही था। तो देखिए बहुत सारे स्टेट में ऑनलाइन प्रोसेस होता है और बहुत सारे स्टेट में ऑनलाइन प्रोसेस नहीं होता है, जैसे कि वेस्ट बंगाल हो या आपका बिहार हो या तमिलनाडु, तेलंगाना, फिर आपका कर्नाटक, ये सब ऑनलाइन प्रोसेस आप कर सकते हो। और जैसे कि बहुत सारे स्टेट है, जैसे कि आपका यूपी हो, आसाम हो, आसाम नॉर्थ ईस्ट के जितने भी स्टेट हो, ये सब आपको ऑनलाइन प्रोसेस नहीं देता है, आपको ऑफलाइन डीलर के पास जाके आपको करवाना होता है। तो फ्रेंड्स इस वीडियो रिलेटेड अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होता है या कोई भी पॉइंट आपको समझ में नहीं आता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, मैं कमेंट का रिप्लाई दे दूंगा। तो इस वीडियो में इतना ही था। तो अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। तो इतना ही था इस वीडियो में। थैंक यू।